उत्तराखंड में फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले चार दिन तक पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि भी होने की संभावना जाहिर की है। 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि का अलर्ट है उत्तराखंड में। यानी कि एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मुसीबत बढ़ सकती है लोगों की। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। 2 से लेकर 5 सितंबर तक भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। और अगली खबर बड़कोट से, जहां यमुनोत्री हाईवे पर यमुना में कार गिरने का ये मामला है। लापता व्यक्ति का 14 घंटे के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जल पुलिस एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आपको बताएं कि शनिवार को चामी के पास ये हादसा हुआ था। पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक एक व्यक्ति का अब कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं है। पानी का बहाव भी तेज है और ऐसे में रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। बड़ी खबर देहरादून से है। पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई की अब तैयारी हो रही है। नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो रही है। एसटीएफ की रिपोर्ट पर 21 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आरोपियों की चल अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी ने आदेश दे दिए हैं। नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने की अब तैयारी हो रही है। और एसटीएफ की रिपोर्ट पर 21 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। इसी के तहत अब आगे की कार्रवाई होगी। आरोपियों की चल अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो रही है और डीजीपी ने इस बात के आदेश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने ये बात साफ कही थी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ी धांधली, एक बड़ा भ्रष्टाचार UK SSSC पेपर लीक में। और ऐसे में अब देखिए इसमें कार्रवाई की जो तैयारी है, नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी। इसके अलावा आपको बता दें एसटीएफ की रिपोर्ट पर 21 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है और आरोपियों की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले में डेवलपमेंट आगे की तरफ हो रहा है और अब चल अचल संपत्ति जब्त करने की बात सामने आ रही है, उसके लिए तैयारी हो रही है। 21 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से लगातार स्नातक स्तरीय जो UK SSSC पेपर लीक मामला है उसमें कार्रवाई एसटीएफ कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी मुख्यमंत्री ने पहले ही कह चुके हैं कि इतनी सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में जो युवाओं के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश की गई वो कोई हिम्मत न जुटा पाए। और यही वजह है कि अब 21 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर दी गई है और ऐसे में ईडी को भी एसटीएफ रिपोर्ट सौंप चुकी है। ये रिपोर्ट यही है कि किस तरीके से तमाम प्रश्न पत्रों को जो लीक किए गए उसमें जो छात्रों से पैसे लिए गए हैं और उस पैसे के बाद जो तमाम जो संपत्ति अर्जित की गई है तमाम जगहों पर उसे किस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है, इन तमाम चीज़ों को एसटीएफ खंगाल रही है और एसटीएफ की टीमें उन तमाम नकल माफियाओं के ठिकानों पर हैं जहां पर इस तरीके के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और छात्रों से पैसे लिए गए हैं। और यही वजह है कि एसटीएफ अपनी पूरी रिपोर्ट को तैयार कर ईडी को इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को सौंप चुकी है और अब ये देखना होगा कि किस तरीके की इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि जो संपत्ति अर्जित की गई है जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आई कि तमाम जो पेपर हुए हैं उसमें पेपर लीक हुए, छात्रों से एक मोटी रकम गई परीक्षा पास कराने के नाम पर, तो यही वजह है कि अब जो ईडी को रिपोर्ट सौंपी गई है तो अब इनकी ऐसी संपत्ति जो इन्होंने इस तरीके से पैसे अर्जित कर कमाई है, जो बनाई है, उस तमाम संपत्ति को भी नष्ट किया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा, कुर्की होगी और गैंगस्टर एक्ट इसी वजह से लगाया गया ताकि ऐसी प्रभावी कार्रवाई हो सके, ताकि आगे से कोई हिम्मत ना करे कि इस तरीके से प्रश्न पत्र पेपर लीक जिस तरीके से हुआ है और तमाम छात्रों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि इन पूरे मामले पर स्टेप तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन ऐसी कार्रवाई हो ताकि कोई आसानी से जो बेरोजगारों के गुनहगार हैं वो छूट ना पाए। और यही वजह है कि अब जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। अभी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जुड़े हुए इस पूरे प्रश्न पत्र लीक मामले से जो
कि अभी भी एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर है। एसटीएफ खुद कह रही है कि उनकी जांच एक अच्छी तरीके से आगे तो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं कि जिनको जिनके अरेस्टिंग होना बाकी है। तो ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि हर रोज अरेस्टिंग हो भी रही है, 33 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया, और ऐसे में अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो एसटीएफ के रडार पर हैं, बस साक्ष्य मिलते ही उनकी गिरफ्तारी होगी। और ये तय है कि जांच आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसा अनुमान है और ये उम्मीद हम कर सकते हैं जितना बड़ा भ्रष्टाचार रहा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक के अलावा अगर कोई बड़ी खबर सुर्खियों वाली खबर है उत्तराखंड में, तो वो उत्तराखंड विधानसभा की भर्तियों में हुई धांधली की खबर है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। विदेश दौरे से लौटने के साथ ही स्पीकर रितु खंडूड़ी ने कड़ा एक्शन ले लिया है। एक तरफ गड़बड़ी की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया है, साथ ही उनका कमरा भी सील कर दिया गया है। ये वही मुकेश सिंघल हैं जिन्हें प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए शोध अधिकारी से सीधे सचिव की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया था। देखिए, दो जो कार्यवाही हुई, स्पीकर विदेश से लौटी, उन्होंने एक्शन लिया, दूसरी तरफ मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेजा गया और उनके रूम को सील कर दिया गया है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं। विधानसभा की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी के कई दिन बाद स्पीकर रितु खंडूड़ी सामने आई। नियुक्तियों से गड़बड़ी में सरकार बैकफुट पर है, इसलिए इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी महीने भर के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को आगामी आदेश तक छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुकेश सिंघल वही अधिकारी है जिन्हें प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए शोध अधिकारी से सीधे डबल प्रमोशन देकर विधानसभा सचिव बना दिया गया था। मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी, तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। इसके साथ ही विधानसभा में 2012 से हुई भर्तियों की भी जांच की जाएगी। 2012 से हमने अपनी नियमावली बनाई और उसके बाद 2000 से 2022 तक की, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम दोनों को, पहले तो हम चाहेंगे कि 2012 से शुरुआती उसमें शुरू हो और उसके बाद जरूरत अगर पड़ेगी तो हम उसको भी निश्चित तौर पर वो भी जांच के दायरे में आएगा। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है सूबे में करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से, उसका पालन होगा ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। विधानसभा की भर्ती में कांग्रेस के साथ ही भाजपा के समय हुई नियुक्तियां भी सवालों के घेरे में हैं। भाजपा से स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस से गोविंद सिंह कुंजवाल के समय की नियुक्तियां सबसे ज्यादा सवालों में है। गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी का गठन करना मतलब साफ है विधानसभा की नियुक्तियों में बहुत बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद हुआ था। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो नियुक्तियों की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है और डीके कोटिया जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा और कौन से नाम हैं, चेहरे हैं, वो भी देख लीजिए। सुरेंद्र सिंह रावत हैं जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्हें भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वहीं अवनेंद्र सिंह नयाल जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ये 3 सदस्यीय कमेटी है जिसके अध्यक्ष डीके कोटिया हैं।
इसके अलावा सुरेंद्र सिंह रावत इसके सदस्य हैं, अमरेंद्र सिंह सदस्य हैं, इस पूरे मामले की वो जांच करेंगे। ये तीनों मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और शासन को भेजेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और वहीं एक्सपर्ट्स कमेटी के गठन पर कांग्रेस का बयान भी सामने आ चुका है। सचिव को छुट्टी नहीं सस्पेंड करना चाहिए था, कांग्रेस ने इस बात की मांग की है। और मुकेश सिंघल की छुट्टी पर और क्या कुछ कांग्रेस का कहना है, सुनिए। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई आपने नहीं, विधानसभा सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहली बात तो सचिव पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसके पास पूरे कागजात हैं। उन कागजातों का क्या होगा, उनसे छेड़खानी नहीं होगी क्या? आपने तय करना ये चाहिए था कि कमेटी बनी आपकी, आपने सबसे पहले सचिव को सस्पेंशन करना चाहिए था। उसके बाद जो भर्ती से संबंधित कागजात थे सारे कागजात सील करने चाहिए, या तो अध्यक्ष अपने पर रखती या किसी एक जिम्मेदार अधिकारी के कब्जे में रहते या पुलिस के कब्जे में रहते, तब ये जांच होती। मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ निकलने की गुंजाइश है। ये केवल लिपापोती करने के लिए ये काम किया गया है और कहीं कुछ नहीं है। और एबीपी गंगा लगातार ये मुद्दा उठाता आ रहा है, विधानसभा की नियुक्तियों में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये एबीपी गंगा की खबर का ही असर है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विदेश दौरे से लौटने के साथ ही कार्यवाही का हंटर चला दिया। रितु खंडूड़ी से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने, आप ही सुनिए। विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने एक समिति का गठन किया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि भर्तियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और बड़ा दिल भी चाहिए इतने बड़े फैसले के लिए, तो किस तरह से अभी जांच समिति आगे काम करेगी, क्या पारदर्शिता रहेगी? देखिए, एक महीने का समय दिया गया है जांच समिति को कि वो एक महीने के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करें। रिफॉर्म्स भी हम चाहेंगे तो रिफॉर्म्स की भी बात उस समिति से बाहर निकल कर आए, ऐसी मेरी आशा है। और जिस तरह की समिति आप लोगों के सामने मैंने रखी है वो प्रदेश की सेवा में काफ़ी सालों से लगे हैं, क्योंकि वो कार्मिक में सचिव रहे हैं तो रूल्स और रेगुलेशंस के ज्ञाता हैं, जानते हैं किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, कैसे फॉलो होने चाहिए, नियम किस तरह से लागू होने चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छी रिपोर्ट निकल के आएगी। महत्वपूर्ण चीज़ें विधानसभा में होंगी जांच समिति के लिए, तो इसमें अपने प्राथमिक तौर पर क्या चीज़ें की हैं अभी, कोई डॉक्यूमेंट सीधा उधर ना जाओ जांच समिति? ऐसा देखिए, आपने देखा होगा अभी हमने हमारे जो सचिव साहब हैं, क्योंकि उनका भी नाम मीडिया में और आया है, जगह जगह से आया है, तो इसलिए वो एक थोड़ा लंबी छुट्टी में भेज दिए गए हैं और उनका ऑफिस हम कैसे तरह से सेफ रख सकते हैं, उसमें फाइलें हैं, तरह तरह के कागजात हैं, उसको हमने सील किया है और जिस दिन समिति चाहेगी और वहाँ से फाइल मांगेगी या कुछ कागजात मांगेगी तब हम उस सील को खोलेंगे। और रवि केंतुरा मेरे सहयोगी लगातार देहरादून से बने हुए हैं और अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ेगी, जांच के लिए कितना समय दिया गया है, ये तमाम चीजें विस्तार से बताएंगे रवि। क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि रितु खंडूड़ी विदेश दौरे से वापस लौटे और कोई एक्शन ले, एक्शन हुआ भी, लेकिन एबीपी गंगा की खबर का भी असर हम कहेंगे कि लगातार इस खबर पर हम बने रहे और इसके बाद एक बड़ा असर इस पर देखने को मिला। बिल्कुल जी, देखिए एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और लगातार दिखाता रहा कि किस तरीके से विधानसभा में जो युवा थे जिनको यह हक मिलना चाहिए था वो हक छीना गया। और यही वजह है कि जब विधानसभा अध्यक्ष वापस लौटी हैं तो अब एक कमेटी का गठन हुआ है। इस कमेटी में वो लोग हैं जो एक साफ छवि के आईएएस माने गए जब उनका कार्यकाल था, अभी तीनों सेवानिवृत्त आईएएस हैं। और अगर बात की जाए तो एक बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, साथ ही साथ नियम और जो कानून है उनका बड़ा अनुभव है। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि जो कमेटी बनी है वो जो एक महीने में जो रिपोर्ट अपनी सौंपेगी उसमें बहुत कुछ ऐसे चीज़ों का खुलासा हो जाएगा जो विधानसभा के भीतर अभी तक हुआ है। तो जो पहला फेज़ है उसमें अगर बात करें तो 2012 से लेकर अभी तक जितनी भी जो भर्तियाँ विधानसभा में हुई हैं उस पर अभी इसमें एक महीने के भीतर काम होना है और उस पर तमाम जो वहाँ की जो जो जाँच कमेटी है वो वहाँ के लोगों से भी और वहाँ के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम चीज़ों को जाँच कर इस पर जाँच करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर सचिव की बात की जाए तो सिंगल बातें सामने आती हैं निकल कर रवि, इसके लिए बहुत इंतजार होगा क्योंकि एक बड़ा घोटाला हुआ है और माना जा रहा है कि ये बड़ी गड़बड़ी है ना सिर्फ इस पार्टी और इस सरकार की बल्कि कांग्रेस पर भी ये आरोप लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, लेकिन रवि आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे कुछ खबरों पर अपडेट लेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको दे दे, यूट्यूबर बॉबी कटारिया की अब बढ़ेगी मुश्किल।
बॉबी कटारिया के लिए लुकआउट नोटिस जारी करेगी पुलिस। लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है बॉबी कटारिया। सड़क पर खुलेआम शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अभी तक बॉबी कटारिया कहाँ है इसकी जानकारी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। रवि मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं देहरादून से। रवि, बॉबी कटारिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन चुनौती तो पुलिस के लिए भी है कि एक वीडियो वायरल हुआ, मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन बॉबी कटारिया को पुलिस पकड़ नहीं पाई। लुकआउट नोटिस कब तक जारी कर सकती है पुलिस, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल जी, देखिए कल तक पुलिस इस पर लुकआउट नोटिस जारी कर देगी, इसके लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है, क्योंकि 11 अगस्त को ये मुकदमा दर्ज हुआ था और तकरीबन 25 दिन हो गए हैं, अभी तक बॉबी कटारिया कहाँ है पुलिस को कुछ नहीं पता। और इसके अलावा भी जो तमाम ठिकाने हैं वहाँ पर पुलिस कह रही है कि वो दबिश दे रही है। लेकिन दूसरी तरह अगर देखा जाए तो बॉबी कटारिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से सक्रिय है, और ऐसे में पुलिस को ये पता नहीं है कि बॉबी कटारिया कहाँ है। तो ये मुकदमा तो दर्ज हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से खुले में सड़क पर शराब पीना, ट्रैफिक को रोक कर शराब पीना, इन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक बॉबी कटारिया को पुलिस नहीं पकड़ पाई। ये तमाम जो सवाल हैं वो पुलिस पर भी खड़े होने लगे हैं कि अभी तक आखिर, क्योंकि बॉबी कटारिया कहाँ है, उसके तमाम ठिकानों पर चाहे हरियाणा हो, गुड़गांव हो, वहाँ पर पुलिस गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस को भी नहीं मिला। इसी बीच ये खबर आई थी कि बॉबी कटारिया कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है, तो 5 से 6 दिनों तक पुलिस का पहरा कोर्ट में भी रहा। अभी भी तमाम जो पुलिसकर्मी है कोर्ट में पहरा देते हैं कि बॉबी कटारिया आएगा और वो उनको उसको गिरफ्तार कर देंगे, लेकिन अभी तक बॉबी कटारिया के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो सर्कुलर जो नोटिस है, अगर वो जारी होता है लुकआउट नोटिस, तो इसमें सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की ओर ये अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये भी बीच खबर आई है कि दिल्ली में भी यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर पुलिस ने कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, वहाँ पर भी इस तरीके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम गलत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।